मैं हूं उस्मा आरिफ। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। कैनेडा में नर्सिंग स्टाफ की कमी, माहरीन को तशवीश। कैनेडियन वजीर सेहत का नए गैर मुल्की अमले को भर्ती करने का ऐलान। माहरीन ने सूरत हाल मजीद तशवीशनाक होने का खदशा जाहिर किया है। जिनसी ज्यादती का स्कैंडल, हॉकी कैनेडा को ले डूबा। हॉकी कैनेडा का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और सीईओ को बरतरफ करने का ऐलान। उबोरी इंतजामी कमेटी रोजाना की कार्रवाइयों पर तवज्जो मरकूज करेगी। कैनेडा में माहरीन बैनुल अक्वामी तुलबा के लिए मुलाजमत में मुसलसल इस्लाहात का मुतालबा। माहरीन का कहना है कि 20 घंटे की पाबंदियों को उठाना आर्जी कदम है। गैर मुल्की तलबा से गैर मुनसिफाना सलूक कैनेडा के मफाद में ना होगा। सऊदी अरब को तेल की पैदावार में कमी के नताइज भुगतना होंगे। अमरीकी सदर का कहना था कि तेल की पैदावार कम करने पर सऊदी अरब के खिलाफ जल्द एक्शन लिया जाएगा। अमरीका का अफगान तालिबान पर मजीद पाबंदियों का ऐलान। रूसी सदर पुतिन यूक्रेन जंग में मजीद शिद्दत ला सकते हैं। यूक्रेनी सदर का G7 ममालिक के इजलास से खिताब, रूस पर नई पाबंदियां लगाने का मुतालबा कर दिया। हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ। लॉन्ड्री इज नो लॉन्गर अ हैसल। Just toss an eco-fresh detergent strip into the washer for a convenient, eco-friendly yet powerful wash. Hypoallergenic, safe for sensitive skin. Say no to bulky plastic jugs and bottles. No more measuring and spilling. Just one strip for a load. Simple and squeaky clean. Plastic-free, biodegradable packaging. Organic, paraben, phosphate, dioxane, and cruelty-free. Order now at www.ecofreshcanada.ca or at Amazon. कनाडा में नर्सिंग स्टाफ की कमी ने माहरीन को तशवीश में मुब्तला कर दिया। ऑन्टेरियो हुकूमत की जानिब से किए जाने वाले इकदामात भी कारगर साबित ना हो सके। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कनाडा में नर्सिंग स्टाफ की कमी ने माहरीन को तशवीश में मुब्तला कर दिया। ऑन्टेरियो हुकूमत की जानिब से किए जाने वाले इकदामात भी कारगर साबित ना हो सके। माहरीन की जानिब से सूरत हाल मजीद तशवीशनाक होने का खदशा जाहिर किया गया है। कोरोना वबा के दौरान काम का दुगना बोझ, मरीजों की जानिब से नामुनासिब बर्ताव और कलील तनख्वाहें नर्सिंग स्टाफ की अपनी मुलाजमतों से दस्तबरदारी की बड़ी वजह बन रही हैं। माहरीन का मानना है कि हालात इससे भी खराब हो सकते हैं। मुल्क की सबसे बड़ी लेबर यूनियन कैनेडियन यूनियन ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयज के एक हालिया सर्वे से पता चला कि 87% नर्सों ने मुश्किल हालात में काम करने के बायस अपनी मुलाजमत तर्क करने का फैसला किया है। हाल ही में अमले की कमी के बायस दर्जनों एमरजेंसी रूम्स को कभी एक रात और कभी एक हफ्ते तक भी बंद रखना पड़ा। इन ईआर वार्ड्स में डॉक्टरों से मशावरत या बुनियादी चेकअप के लिए मरीजों के इंतजार का दौरानिया 12 से 20 घंटे तक जा पहुंचा है। इस सूरत हाल का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि हाल ही में ऑटोवा पुलिस को एम्बुलेंस का इंतजार करने के बजाय अपनी स्क्वाड कार में फायरिंग के बायस जख्मी एक शख्स को अस्पताल ले जाना पड़ा और एक मोमर खातून जो गिरकर जख्मी हुई थी चंद घंटे तक इब्तदाई तिबी इमदाद का इंतजार करती रहीं। ऑन्टेरियो नर्सेस एसोसिएशन की जानिब से इस सूरत हाल को नाजुक करार दिया गया है। नर्सिंग एसोसिएशन हुक्काम का कहना है कि वो बेबस और बेयारो मददगार हैं। मुख्तलिफ अस्पतालों में नर्सों को मरीजों की जानिब से नामुनासिब रवैये का सामना भी करना पड़ा। दारुल हुकूमत ऑटोवा में जनवरी से जुलाई तक 1000 से ज्यादा ऐसे वाकयात दर्ज किए गए जिनमें मरीजों को एम्बुलेंसेस दस्तियाब ना हुई क्योंकि पैरामेडिक्स पहले से पुरहजूम अस्पतालों में मरीजों को उतारने का इंतजार कर रहे थे। कनाडा के वजीर सेहत ने इस अजम का इजहार किया है कि वो गैर मुल्की अमले के लिए नए मौके फराहम करेंगे। इस फैसले से 11,000 बैन अल-अक्वामी सतह पर तरबियत याफ्ता डॉक्टरों और नर्सों को कनाडा में अपने शोबे में मुलाजमतें हासिल करने में मदद मिल सकेगी, लेकिन ये इकदाम ना काफी होगा। मुल्की सरकारी आदादो शुमार के मुताबिक नर्सिंग की 34,400 आसामियां अब भी खाली हैं। जिनसी ज्यादती का स्कैंडल, हॉकी कैनेडा को ले डूबा। हॉकी कैनेडा ने अपने पूरे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और सीईओ को बरतरफ करने का ऐलान किया है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में।
जिनसी ज्यादती का स्कैंडल हॉकी कनाडा को ले डूबा। हॉकी कनाडा ने अपने पूरे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और सीईओ को बरतरफ करने का ऐलान किया है, क्योंकि तंजीम को इस बात पर बड़े पैमाने पर तनकीद का सामना करना पड़ रहा है कि उसने 2018 में जिनसी ज्यादती के केस को गलत तरीके से संभाला। एक मीडिया बयान में खेलों की तंजीम ने तस्दीक की है कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर स्कॉट स्मिथ फौरी तौर पर अपना ओहदा छोड़ रहे हैं। बयान में कहा गया है कि एक अबूरी इंतजामी कमेटी उस वक्त तक कायम की जाएगी जब तक कि एक तश्कील नौ शुदा बोर्ड तंजीम की क्यादत के लिए नए सीईओ का तकर्रुर नहीं करता। एक वर्चुअल इलेक्शन 17 दिसंबर को शेड्यूल है। हॉकी कनाडा के बयान में कहा गया है कि मौजूदा बोर्ड दोबारा इलेक्शन नहीं कराएगा। तंजीम ने अपने बयान में कहा है कि अबूरी इंतजामी कमेटी रोजाना की कार्रवाइयों पर तवज्जो मरकूज करेगी, जिसमें अराकीन के साथ जायजा लेना और काम करना और हॉकी कनाडा की गवर्नेंस पर जेर इल्तवा रिपोर्ट को नाफिज करना शामिल है। इस खबर का खैर मकदम वफाकी वजीर खेल ने किया, जो क्यादत में तब्दीली का मुतालबा कर रहे थे। कनाडा में माहरीन बैन अल-अक्वामी तलबा के लिए मुलाजमत में मुसलसल इस्लाहात का मुतालबा कर रहे हैं। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कनाडा में माहरीन बैन अल-अक्वामी तलबा के लिए मुलाजमत में मुसलसल इस्लाहात का मुतालबा करते हैं। वुकला का कहना है कि बैन अल-अक्वामी तलबा के लिए 20 घंटे काम करने की पाबंदी को आर्जी तौर पर उठाना दुरुस्त सिम्त में एक कदम है। माहरीन का कहना है कि बैन अल-अक्वामी तलबा के लिए 20 घंटे की वर्किंग कैप को उठाने का हुकूमती फैसला सही सिंत में एक कदम है। ताहम हुकूमत को कनाडा में मजदूरी की कमी को दूर करने के लिए एक आर्जी तरीके के तौर पर इस्तेमाल करने से आगे बढ़ने की जरूरत है। कैनेडियन फेडरेशन ऑफ स्टूडेंट्स ऑनटेरियो के बैन अल-अक्वामी नुमाइंदे का कहना है कि इसके बजाय इस इकदाम को मुस्तकिल करने की जरूरत है और तालीम को सबके लिए मसावी बनाने की जाने पहला कदम है। उनका कहना था कि मैं चाहता हूं कि हुकूमत बैन अल-अक्वामी तलबा की रोजी रोटी के बारे में सोचे। यह जानना कि वो हमारे साथ जितना ज्यादा गैर मुनसिफाना सलूक करेंगे, मुस्तकबिल में कनाडा की तामीर के लिए हमारा क्याम उतना ही कम होगा। अमरीकी सदर जो बाइडन ने कहा है कि सऊदी अरब को तेल की पैदावार में कमी के नतीजे भुगतने होंगे, जबकि अमरीकी इंतजामिया ने अफगानिस्तान में तालिबान पर मजीद पाबंदियों का ऐलान कर दिया है। तफसीलात इस रिपोर्ट में। अमरीकी सदर जो बाइडन ने कहा कि सऊदी अरब को तेल की पैदावार में कमी के नतीजे भुगतना होंगे, जबकि अमरीकी इंतजामिया ने अफगानिस्तान में तालिबान पर मजीद पाबंदियों का ऐलान कर दिया है। अमरीकी सदर जो बाइडन ने अमरीकी चैनल को इंटरव्यू में कहा कि सऊदी अरब की ज़ेरे क़यादत ओपेक प्लस की जानिब से तेल की पैदावार कम करने पर सऊदी अरब के खिलाफ जल्द एक्शन लिया जाएगा। तेल की पैदावार में कमी के नतीज सऊदी अरब को भुगतना होंगे। अमरीकी सदर ने सऊदी अरब पर मजीद तनकीद करते हुए कहा, तेल की पैदावार में कमी का फ़ायदा रूस को होगा। सदर जो बाइडन ने कहा कि इस सिलसिले में कांग्रेस की मशावरत के बाद इकदाम किए जाएंगे, ताहम सऊदी अरब को असलहे की फरोख्त नहीं रोकी जाएगी। बाज़ अरकान कांग्रेस ने सदर बाइडन से सऊदी अरब को असलहे की फरोख्त रोकने का मुतालबा किया था। दूसरी जानिब अमरीकी इंतजामिया ने अफगानिस्तान में तालिबान पर मजीद पाबंदियों का ऐलान कर दिया है। अमरीकी हुक्काम का कहना है कि अफगान खवातीन और बच्चियों पर जबर के जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त इकदाम उठाए गए हैं। अमरीकी वजारत खारजा ने तालिबान पर इंसानी हकूक के एहतराम पर जोर देते हुए कहा कि इंसानी हकूक की पामाली में मुलविस तालिबान और दीगर अनासिर के वीज़े रोके जाएंगे। अपने बयान में अमरीकी वजारत खारजा ने कहा कि अफगान खवातीन की तालीम, रोज़गार और नकलो हरकत पर आयद पाबंदियाँ ख़त्म की जाएँ, अफगान बच्चों को तालीम के हक से महरूम ना किया जाए। अमरीकी वजारत खारजा ने मजीद कहा कि जो लोग ऐसी पाबंदियों के ज़िम्मेदार हैं, उनके अहल खाना के वीज़े भी रोके जाएंगे। यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की का कहना है कि रूसी सदर पुतिन यूक्रेन जंग में मजीद शिद्दत ला सकते हैं, जो सबके लिए ख़तरा है। यूक्रेन को फिजाई दिफाई मदद मिलने पर रूस से लाहक असल ख़तरा रुक जाएगा। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की का कहना है कि रूसी सदर पुतिन यूक्रेन जंग में मजीद शिद्दत ला सकते हैं, जो सबके लिए खतरा है। यूक्रेन को फिजाई दिफाई मदद मिलने पर रूस से लाहक असल खतरा रुक जाएगा। G7 ममालिक सरबराहान के वर्चुअल इजलास से खिताब में यूक्रेनी सदर का कहना था कि रूस यूक्रेन तनाजे में सिफारतकारी का फिलहाल इम्कान नहीं है। सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेनी इलाकों के इलहाक पर बतौर सजा रूस को मुकम्मल तन्हा किया जाना चाहिए और रूस ने नए हमले शुरू किए तो रूस पर पाबंदियां भी नहीं लगनी चाहिए। यूक्रेनी सदर ने कहा कि रूसी सदर पुतिन सिर्फ दहशतगर्दी पर यकीन रखते हैं, रूसी तेल और गैस की कीमतें सख्ती से कंट्रोल करने की ज़रूरत है। दूसरी जानिब
روس سے تعلق رکھنے والے ہیکرز گروپ نے امریکہ کے کئی ایئرپورٹس کی ویب سائٹس کو نشانہ بنایا، جس کی وجہ سے مسافروں کو سخت مشکلات کا سامنا کرنا پڑا اور ایئرپورٹس پر غیر معمولی رش لگ گیا، لیکن فلائٹ آپریشن معمول کے مطابق جاری رہا۔ ٹیک ٹی وی کے پاکستان اسٹوڈیو سے فی الحال اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ٹیک ٹی وی۔